गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के वासियों को संडे के सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड ए वेरी हैप्पी संडे हेक्टिक इलेक्शन ख़त्म हो गया वोटिंग भी हो गया और पब्लिक ने अपना डिसीजन भी दे दिया किसको किसने चुना ये सारा चीज तो बाद में रिजल्ट के दिन सेकेंड जून के दिन पता चलेगा अभी इसलिए उसने उसको क्यों दिया क्यों नहीं दिया ये सब चर्चा नहीं करने से भी हो जाएगा जो बात बीत गया है उससे वो दोबारा ई में जिसको जिसने डाल दिया वो वापस नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैंडिडेचर जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का आवाज़ को सुन के मैंने स्टैंड किया था और स्टार्टिंग डे से बोला था कि मेरा पास में इलेक्शन स्टैंड करने के लिए एक पैसा नहीं है लाल चाय बना के पीने के लिए भी चीनी और चाय पत्ती का भी पैसा नहीं है शुरू से मैंने बोला था और आप लोगों ने बोला था पैसा का ज़रूरी नहीं है आपसे हम लोग को पैसा नहीं चाहिए बस आप हम लोग के लिए स्टैंड कीजिए आपका कैंडिडेट बनना हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है प्लीज़ आप अपने आप को कैंडिडेट बनाकर ई वी एम मशीन तक पहुँचिए उसका बाद फैसला हम लोग अरुणाचल का जनता करेगा यही बोला था आप लोगों ने तो मैंने सोचा कि ठीक है अगर अरुणाचल का जनता को लगता है कि मुझे लड़ाई लड़ने के लिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर के लड़ना चाहिए और वो लोग मुझे वहाँ भेजने को तैयार हैं तो मैं भी मैदान छोड़ के नहीं भागूंगी, मैं भी अपनी लड़ाई को आखिरी दम तक लडूंगी, यही सोचा था और अरुणाचल के जनता के लिए लड़ूंगी अरुणाचल प्रदेश के लिए लडूंगी, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लडूंगी, सबके भाई बहन बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ूंगी यही सोच कर मैंने इस दिन किया था और किसी को पर्सनल मैंने नहीं लिया किसी को पर्सनल अटैक भी मैंने अपनी तरफ से नहीं किया था और शुरू से ही मैंने रिक्वेस्ट किया था कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स का हिसाब से आप लोग खेलिए यहाँ तक कि मेरे विरोधियों को भी पर्सनल अटैक मत कीजिए और मुझे भी पर्सनल अटैक मत कीजिए ये मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया था लेकिन मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद कुछ लोग हैं कि पर्सनल ज़्यादा ही पर्सनल हो गए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गए तो आज मॉर्निंग मॉर्निंग यहाँ आपके सामने लाइव वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो कर के मैं उन लोगों को बात करना चाहती हूँ जिन लोगों को मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम है जिन्होंने मेरा नाम उछाल उछाल करके बहुत ज़्यादा मतलब हाँ पहले अगर मैं कभी एमपी होती या एमएलए होती या किसी भी पब्लिक पोजीशन में रह कर के पब्लिक के हक का एक पैसा भी अगर मैंने गवन किया होता तो मुझे ट्रोलिंग करने का मुझे बोलने का हक़ है कि तो को शीतल को पहले भी हम लोग बना चुके हैं उस पर भी उसने हमारे साथ गद्दारी किया था इसलिए अभी और तो कोशीतल को चांस नहीं देना है बोल के आप लोग प्रोपोगंदा बना सकते थे लेकिन जहाँ तक मुझे अच्छा से पता है कि आज तक मैंने कोई भी पब्लिक पोजीशन मैंने ऑन नहीं किया था ना मैं कभी ग्राम पंचायत मेंबर बनी ना अंचल समिति मेंबर बनी ना जिला परिषद मेंबर बनी ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनी ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी मैंने कोई भी पब्लिक पोजीशन ऑन नहीं किया तो तोको शीतल को वोट मत मारो तो शीतल ऐसा है वैसा है शीतल तो हम लोग का पब्लिक पैसा को खाया है पब्लिक का फन को उड़ाया है बोलने का तो जगह ही नहीं था तो क्या बचता है तोको शीतल का करेक्टर एसासीनेशन करना स्टार्ट कर दिया तो शीतल का ऊपर में बायोग्राफी लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करना शुरू किया शीतल तो का नाम ले लेके तो क्वेश्तल को गंदा गंदा गाली देना शुरू कर दिया मैं साल भर से 2022 में जब ये सो कॉल अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जब के लोगों ने जब पैदल चलना शुरू किया तो इंटीद डेज वो लोग आईजी पार्क में टेनिस कोर्ट में धरना रहा था मैं कभी गया भी नहीं और मुझे मालूम भी नहीं था कि वो लोग क्या चीज़ का धरना बेहतरा है कभी कभार मोबाइल ऑन करके देखती थी तो कुछ लड़के लोग थे जो ए के नाम से टेनिस कोर्ट में धरना बेहतरा है कोई चूल को तखला कर रहा है बाल उड़ा रहा है धीरे धीरे देखते देखते उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली चलो पी की और पदयात्रा निकाल रहा है बोल के तो मैंने सोचा ये लोग चल पाएंगे क्या ये तो इम्पॉसिबल होगा दिल्ली तक पहुंच पाएंगे क्या यही मैं सोच रही थी फिर देखते देखते वो लोग पद यात्रा भी निकल गया और जब पद यात्रा निकल गया होलोंगी तक पहुंचा गोपुर तक पहुंचा दो तीन दिन के बाद में मेरा बचपन का दोस्त है बिरी तैया अंति अप और अंकल तसी का बेटा है जिसे मैं लोग यहाँ बुलाते हैं मैं अँ बोलती हूँ तो मेरा दोस्त ने मुझे मैसेंजर पर चैटिंग किया लिखा अदंग वो भी मुझे अदंग बोलते हैं <coughs> मेरा जो लोकल नाम से अदंग आप कहाँ में है बोले मैंने बोला कि अंग मैं घर में हूँ तो वो बोला है कि मैं तुम्हारा घर का बाहर में आसपास में घूम रहा हूँ क्या मैं आऊँ क्या चाय पीने मैंने कहा मोस्ट वेलकम आइए तो फिर वो बोला लड़का लोग पैदल जा रहा है करप्शन का एगेंस्ट में तुम तो हमेशा करप्शन का एगेंस्ट में लड़ते रहता है ना तो चलो लड़का लोग को तांदा उंदा पानी उन्हें पहुंचाने जाएगा मैंने कहा हाँ ठीक है आओ चलो बात करेगा फिर घर में वो पहुंचा मेरा घर में फिर हम दोनों तो दो दो रोटी खा के बात किया सचमुच में ये लोग जा रहा है क्या बोला सच में जा रहा है तो चलिए बोला है तो चलिए ऐसा बात है तो देख के आते हैं उसके बाद मेरा दोस्त न्याया का गाड़ी से मैं आसाम तक गया और जाके उन लोगों के बीच में ज्वाइन जो, हो गई ज्वाइन किया तो बाद में बाय तहार एन टीम बीच रास्ता से चला गया और उसका बदनाम भी मुझे दिया उसका बदनाम भी मुझे दिया कि मैंने हाईजेक किया ये किया वो किया बोला जैसे भी करके चल चल के मैनेज करके जब दिल्ली पहुंचा दिल्ली पहुंचने का बाद में भाई मारो का प्रेस बीपिंग आया कि ये एएसी जो है एएसी को गोजन गादी साहब ने पच्चीस करोड़ रुपया नॉन प्लान में पच्चीस करोड़ रुपया का एग्रीमेंट लिख के ए ए सी को पोंग किया था ऐसा बोल के बाय पीटीएम बाय का पुंचो तपोक मारो बाय का ब्रीफिंग आया है। उसको मैंने दिल्ली से जवाब दिया कि पुंचो तपोक मारो बाय जो ए सी आपका जो स्पॉन्सर ए सी था गोजन गादी साहब का साथ आप कैसे एग्रीमेंट लिखा होगा मालूम नहीं जबकि वो एमएलए भी नहीं है मिनिस्टर भी नहीं है तो वो किसे आपको नॉन प्लान से पच्चीस करोड़ रुपया दे सकेगा फिर भी आप लोगों ने शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ए बनाया होगा लेकिन जहाँ से मेरा एंट्री हुआ है और जिस ए को मैं लेकर चली थी उसमें किसी का साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और किसी का कहने पर मैं ए को मैंने लीड नहीं किया मैं अपना मन से मुझे लगा कि सचमुच में इतना ज़्यादा हम लोग अरुणाचल का जो सिस्टम जो पूरा कोलेप्स है अरुणाचल में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का नज़र में उसका नोटिस में लेके आना पड़ेगा इसलिए मैं पैदल चल चल के भी पूरा करप्शन का एगेंस्ट में हम लोग पैदल चल रहे बोल के पूरा इंडिया को बताया जितना स्टेट से हम लोग होके है अरुणाचल से आसाम आसाम से बंगाल बंगाल से बिहार बिहार से यूपी यूपी से दिल्ली तक तो जितना लोग है सबको पता चलना चाहिए सोच के चिल्ला चिल्ला के बता बता के किया है उसका बाद में ए में बैठ के जितना बात करना था किया है जितना मेमोरेंडम देना था दिया है उस बीच में भी मेरा करेक्टर एसासिनेशन खूब किया गया हाथ धो के लोग मेरे पीछे परे हुए थे मैं हमेशा एक अच्छा इंसान होने का नाते मैंने सोचा कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम किसी को नहीं है जस्ट लोग अपना अपना पॉलिटिकल वो लाइन में होके मुझे सप्रेस करने के लिए मेरा हिम्मत तोड़ने के लिए जुटमुट का मुझे बदनाम किया जा रहा है मैं कभी अपना हिम्मत नहीं टूटने तूत, दूंगी कभी उन लोगों के चाल को कामयाब होने नहीं दूंगी यही सोच करके मैं अपने आप को हमेशा आश्वासन दिया और अपने आप को हमेशा मैं स्ट्रोंग बनाए रखा और मुझसे जो बन पड़ता था मैंने किया इसलिए वहां से शुरू होने के बाद में अभी आज तक, बोटिंग दे तक, आप लोगों ने मेरी खूब दुलाई की खूब पिटाई की जो लोग ए, -ए में साथ में जुड़े हुए थे आए थे करप्शन के अगेंस्ट में चिल्ला रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चिल्ला रहे थे सरकार में बैठे हुए लीडर लोगों को आप लोग ताना मार रहे थे गंदे गंदे गाली दे रहे थे मैंने कभी किसी लीडर को तो शीतल में एज ए पर्सन में अपना मुंह से कभी किसी लीडर को गंदा सा गाली मैंने नहीं दिया मैंने सिर्फ हमेशा इशू पे बात किया मुद्दा पे बात किया लेकिन बढ़ चढ़ के आदमी का नाम लेके ले जो लोग लीडर को गाली दे रहे थे वो लोग आज आप लोग लीडर को उसी लीडर जिसको आपने गाली दिया उसी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो खैर वो आपकी अपनी चॉइस है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको खुद ही नहीं पता कि आप कौन से स्टैंड में हो। वो चला गया छोड़ दीजिए वो बात को मुझे सपोर्ट नहीं करना मतलब सिंपल सा बात है मेरे पास में कुछ भी नहीं है और मैं शुरू से बोला था कि मैं मनी कल्चर को मैं कभी इंकरेज करती भी नहीं हूं आज तक मैंने जितनी बार भी अपनी लाइफ में मैंने वोट डाला है कभी किसी से मैंने एक गिलास पानी या एक कप चाय तक मैंने नहीं लिया है जितना बार जितना बार भी मैंने वोटिंग डाला है मैंने हमेशा ये लीडर अच्छा होगा हमारा एरिया को अच्छा लीड करेगा स्टेट को अच्छा लीड करेगा सोच के मैंने अपने कॉन्साइंस के ऊपर में वोट डाला था तो इसलिए जब मैं खुद भी कई दफा इलेक्शन स्टैंड किया मैंने कभी मनी कल्चर को मैंने प्रमोट नहीं किया ना जेडपीएम लेवल में किया ना एम एल ए में किया ना एम पी में किया और मेरे पास है भी नहीं करने के लिए तो हर बार इलेक्शन स्टैंड करते हुए यही बार बार देखने को मिला कि पहले लोग बोलते कि आप जैसे भी स्टैंड कीजिए आप कैंडिडेट बनी ब्रांडिंग करते हैं लोग पहले कैंडिडेट बनाते हैं उसके बाद में खुद को स्ट्रॉन्ग सपोर्टर दिखाते हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्टर दिखा के कैंपेन करके घूमते हैं उसके बाद जब तम तर कितना जूत बोलेगा हाँ ओवर एक्टिंग तुम पर्सनल है ना पर्सनल इसलिए तो ये वीडियो हम आया है कि पर्सनल जिसको हमसे प्रॉब्लम है हम एक्टिंग कर रहे हैं ना झूठ बोल रहे है वो तुमको प्रूव करना पड़ेगा तो जो जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो लोग मेरा पास आओ बोल के इसलिए हम कैप्शन में लिखा है रिजल्ट से पहले बात करेगा ना क्योंकि रिजल्ट का बाद बात करने से फिर तुम लोग बोलेगा देखो तो ये इलेक्शन जीतने का बाद अगर गलती से जीत गया एक बोत से तो बोलेगा देखो अभी एमपी बनने का बाद अपना पब्लिक को लड़के घूमता है बोलेगा और जिस तरीके से तुम लोगों ने चाल चला है हराया है हारने का बाद बोलेगे तो देखो तो इलेक्शन हारने का बाद डिप्रेशन होके पागल हो गया ये औरत बात कर रहा है बोलेगा इसलिए अभी दो महीना टाइम का बीच में ना जो जो ये सोशल मीडिया में या हमें लाइव वीडियो में, में आके तुम तुम बोल के तुम लोग हमको कमेंट्स कर रहे है ना तुम्हारा माँ बाप से कितना मिथुन दे रखा है हमको तुम्हारा ससुर ससुर बुरा ससुर बुरी से हम कितना दार का के रखा है चलो पर्सनल में जो भी हमको प्रॉब्लम है आज पर्सनल में मिल, बात करेगा ही बोल के हम आए हैं लाइव वीडियो आने का मतलब ही है जिस जिसको हमसे पर्सनल प्रॉब्लम है ना तुम लोग को बहुत मजा आता है ना यहाँ में सोशल मीडिया में जब भी हम लाइव आते हैं यहाँ आके तुम लोग लिखने के लिए अरुणाचल में कितना आदमी है सात आठ लाख आदमी है उसमें से तुम लोग यहाँ में कॉमेंट्स करेगा उसका बाद में गायब होगा मत सोचो तो को शीतल ट्वेल्व हंड्रेड नाइन्टी सेवन पोलिंग बूथ का एक एक आदमी को हम जानता है तुम लोग हमको जो पर्सनल प्रॉब्लम है अच्छा हुआ इस बार एमपी पी करके कम से कम अपना स्थिति में डीपली हम अंदर तक गांव गांव तक पहुंच पाए हैं सबका खबर ले सका है हम कौन कैसा करेक्टर का है क्या है और कौन अरुणाचल को आगे लेके जाने वाला है कौन अरुणाचल को बेच के खाने वाला है सबको मालूम हो गया है लीडर जैसे तो बात कर रहा है लीडर मतलब क्या है लीडर मतलब लोगों का चर्चा करना है लीडर है बोल के हमेशा लोगों से मार खाके बेटेगा गाली खाके बैठेगा और नकली पुखली का बदनाम को बुक के बैठेगा उसको क्लियर नहीं करेगा जो जो लीडर जवाब नहीं देता है ना उसको तुम लोग अच्छा है बहुत अच्छा लीडर है लीडर ऐसे होना है मुख से बात नहीं करता है बोलता है ना जो इंसान बदमाश होता है ना जो तुम लोग को दिन दहरा बेच के कहता है मिनट मिनट में इंस्टॉलमेंट में तुम लोग का नाम से बिक्री कर करके कहता है ना वो लोग कभी जवाब नहीं देगा वो लोग बात नहीं करेगा वो लोग इग्नोर मारता है क्योंकि वो बदमाशी कर ही रहा है तो तुम लोग को जवाब कौन सा मुंह से वो देगा हम क्लियर वाला इंसान है बात चौथा हो या भरा हो बर्दाश्त जरूर हम करता है शायद हमसे ज्यादा बर्दाश्त ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकेगा कि हमको ऐसे लगता है बहुत बर्दाश्त किया है आराम से किया है जिसको इग्नोर मारना था हम आराम से इग्नोर मारा है शांतिपूर्ण तरीके से इग्नोर मारा है और जिसको हम टोलरेट करना था हम आराम से किया है अभी इसलिए हम तुम लोग का बीच में हम आया है तुम लोग जैसा आदमी लोग अरुणाचल में रहेगा तो अरुणाचल का कभी भला नहीं हो सकेगा ये बात को तुम लोग अच्छा से नोट कर लो और भला करने के लिए कोई भी लीडर पब्लिक डिमांड सोल दो का साथ डिबेट मैडम जी यस ये मेरा वीडियो जो स्पेशली सोल दो के लिए ही है सोल दो को हम ऐसे मोबाइल मोबाइल में डिबेट नहीं करेगा सोल दो का बस्ती में कौन गांव बुरा होता होगा उसको हम लेटर भेजेगा सोल दो भाई को हमसे क्या पर्सनल प्रॉब्लम है हम अबो तनी का बेटी है और तनी लेन में अरुणाचल में रहता है हम अपना अबो तनी का नियम से ngo bari ang gyoming su ay nyasang bari ja gyo tari nyasang bari ja gyoming su starin e te kaming su sol no ngam toko sitel toko sital halai la na ngam personal personal ja gyo nam sam ke gyo kaming jo nga burwe e hugut ja nam dopi, rihe anam do hugut ja mane barbat manam dopi na personal lai po lango soldo ngo sol do la nam gam gyo nam do abi yes na रिजल्ट से पहले बात क्लियर करेगा हम जस्ट वोटिंग में ज्यादा ये होने का बाद है। और पोलिंग बूथ में विजिट करने का बाद ज्यादा बिजी होने का बाद कल थक के हम सो रहा था पता भी नहीं चला बेहोशी जैसा सो रहा था इसलिए आज सुबह उठ के आया है यस सोल दो दुम भाई याजर याजो बाई दो और आ, कौन कौन था हमको ज़्यादा पर्सनल लेने वाला इरिक लोलेन भाई दो आप लोग जो हमको ज़्यादा पर्सनल आप लोग को प्रॉब्लम है ना हमसे तो प्लीज हम लोग बात करते हैं या तो हम अपना तरफ से आप लोग को ओपन इन्विटेशन दे रहा है प्लीज हम जहाँ में रहता हूँ बेचता है यहाँ में आइए कब आएगा किसको साथ में लेके आ रहा है आ जाइए बात करेगा आप लोग का हम लाइफ में घुस के आप लोग का घर में घुस के आप लोग को हम क्या नुकसान पहुंचाया है और हमको इतना पर्सनल आप लोग प्रॉब्लम है प्लीज आइए हम आप लोग का इंतजार कर रहे हैं और अगर आप लोग आने नहीं सकता है तो आप लोग प्लीज हमको कहाँ में बुलाना है बुलाइए पक्कर पक्कर ही पोता दूंग कोई गलती नहीं किया आप अगर सचमुच में आप बोत दिया है तो उसको आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपका एक बोत जो वेस्ट नहीं हुआ है बोल के दलाली लुक को चमचागिरी लुक को लूट के खाने वाला लोग को वोट देने से तो हाँ गलती हुआ है बोल के आप सोच सकते हैं हम अभी तक किसी चीज में दलाली गिरी नहीं किया है और आप वोट दिया है तो परमेश्वर आज शांधे है तो आप सुबह सुबह लिख रहे ना शांधे का मॉर्निंग है आप वोट दिया है तो परमेश्वर देखा होगा आपको परमेश्वर आशीष देगा ब्लेसिंग देगा कि ये दुनिया में धरती में हम लोग इंसान एक दूसरे को जूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर का सामने सब कुछ खुला है निगबिया था जे इलेक्शन खत्म झगड़ा शुरू नहीं है इलेक्शन खत्म झगड़ा को भी खत्म करना है किस बात को लेके हमको इतना ज्यादा पर्सनल होके झगड़ा करने के लिए दाऊदार करके रखा जैसे होके घूम रहा था उसको पूछने का हम भी इंसान है ना ह्यूमन बींग है तुम लोग बोलता है ना मीडिया में आके एक्टिंग करता है रोता है बोलता है अरे हमसे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान ये दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो अपना तकलीफ को भी तुम लोग सामने में ओपनली हम रोना होने से ओपनली रोता है हंसना होने से भी ओपनली हंसता है जो अपना बात है बात को पॉइंट क्लियरली रखता है कोकाय काली को पुल जैसा दिल कमजोर नहीं है मेरा जो अपना बात तक को करने नहीं सके खुद को हैंग करके दुनिया से चला गया है जो आदमी जवाब नहीं दे सकता है जो बात को क्लियर नहीं कर सकता है ना वो कमजोर होता है लेकिन अपना बात को क्लियर कर सकना पड़ेगा हम हमेशा बोलते हैं सिचुएशन चाहे कैसा भी हो हम सिचुएशन से कभी भागने वाला नहीं है सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा रिजल्ट चाहे कुछ भी निकलो सिचुएशन को फेस करना है और पीठ पीछे बकबास नहीं करना है जो भी है आगे से बोलना है गलत बात है तो गलत को आप गलत है बोलना है आंख से आंख मिला के बात करना है और सामने बैठ के तो कोशीतल तुम मेरा इतना नुकसान किया है मेरा पर्सनल लाइफ में तुम आज भी पी रोने आया नहीं आज रोने नहीं आया है आज बिल्कुल भी रोने नहीं आया है लेकिन इतना दिन से मुझे जिन लोगों ने रुलाया है ना उन लोगों को पूछने आया है ये मोबाइल में निकाल निकाल के लाइव वीडियो बना के चलो दिबेत करेगा ये है वो है बोलना वो मेरा काम नहीं है हम सिर्फ यहां आप सबको अरुणाचल का पब्लिक आप लोग हमको डिमांड कर रहे हैं ना डिबेट करो डिबेट करो हम डिबेट नहीं करेगा हम सीधा क्लियर क्लियरिफिकेशन चाहिए हमको वो भी पेस टू पेस बैठ के किसी का घर में घुस के हम पर्सनली किसी को क्या नुकसान कर दिया है काल को हम अगर लीडर बनता भी है मेरा अरुणाचल का जेन्यून पब्लिक ने अगर मुझे चुन के लीडर बनाया है लीडर बनता भी है हम फेयरली मैनर में काम करेगा ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेगा और अगर लीडर नहीं भी बनता भी है आप लोगों ने मुझे वोटिंग नहीं भी दिया होगा हरा भी दिया होगा क्योंकि ईवीएम का अंदर अभी क्या है मुझे नहीं पता पखतो करका गंदा पंदा औरत तुम आ, को दिखने दिल नहीं है गंदा पंदा होके तुमको हम क्या किया है उसको भी तुम भी आओ बात करो पर्सनल में बात करो घर तक पहुंचो प्लीज मोस्ट वेलकम आर हम गंदा पंदा करके तुमको क्या किया है तुम्हारा घर में घुस के क्या किया है ना तुम्हारा काना को हम छीन के खाया है ना तुम्हारा कपड़ा को चीन के पहना है क्या किया है क्योंकि ऐसा यहाँ में लाइव वीडियो में सिर्फ लिखने से नहीं होगा चलो लेट्स क्लियरफाई एंड एवरी ना क्लियरिफिकेशन करेगा क्योंकि सब चीज को ऑब्स्टेकल को रास्ता को क्लियर करने के बाद इंसान को आगे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है तो यहां तक मेरा एक अध्याय था इलेक्शन खत्म हो गया यहाँ अभी हम एमपी कैंडिडेट है या एक लीडर का ये है बोल के नहीं हाँ एज पर्सनल तो शीतल बन के आप लोग को आप लोग का बीच में हम आज बात कर रहे हैं थैंक यू सो मच रेंगम रूही वोट दिया है तो so बहुत अच्छा काम किया है गॉड ब्लेस यू तो हम पर्सनल लेवल में एज ए औरत एज ए महिला एज ए फीमेल तो शीतल मैं इंडिविजुअल में तो शीतल आप लोगों से पूछती हूँ कि मैंने आप लोगों का पर्सनल लेवल में जाके क्या बिगाड़ा है सोल दो सार याजर याजो मैडम इरिग्लोलेन मैदम और बिंग्या आगुंग सार आप लोग हमको पर्सनल में बहुत ज़्यादा लिया है ना? तो जो चीज़ आप लोग पर्सनल में लिया है उसको चलो अबूतानी नियम से निसंग बरक बात करेगा देत निकालिए आप लोग ई सी से ये ऑफिशियली ये मेल ऑर्डर निकाल के बात करेगा ना अनऑफिशियली बात करके फ़ायदा नहीं है तो ऑफिशियली ऑफिस में बुला के बात करेगा तो वो दगियो तंगियो दोज परे माँ हुगु नुलम नूलम गो मैंने नूलम पर्सनल लेवलों अंगलाई दम नम गो दो पाई है इस्टे तम वो लीडर संगला ए ला इस्टे गो डेवलपमेंट पान दम तो दहा दोगो कभी ओपोजिशन में ता नहीं आज तक हम कभी किया नहीं और जो लोग हमको मिसयूज करेगा सोचा है ना पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली मिस यूज करेगा सोचा है वो लोग को कभी हम वो मौका दिया नहीं है इसलिए वो लोग मेरा अगेंस्ट में पॉलिटिक्स केला होगा उसको हम उस दिन गुस्सा में आके ज्यादा इमोशनल होके गोजन गादी साहब को ना आप हमको कितना करोड़ में बिक्री करके काया है बोल के गोजन गादी साहब को पूछा था वो मेरा पूछने का अधिकार है राइट है क्योंकि हम शुरू से एक रुपया भी नहीं है पैसा भी नहीं है हम एम हम तो वो चाहें जरा अबो गोजन आपको हम तब भी अबो, गोज, अबो बोलता था आज भी हम अबो गोजन बोल रहे हैं अब वो जेन आपको हम बोला भी था वो परी जी राम कह तो का दो हजिमा पोलिटिक्स री राम कहेगा हाराम कहेगा हजी पनलांगा मे ए नोम ये तो का रे नोम पूरा नारू है नोम तुबरे अदो एम पी हम नो रो को ना बेटी नो सिर्फ नोमिनेशन पायल करना है बस्ती बस्ती जाके आने लोग को सिर्फ नमस्कार करके राउंड मारना है एक राउंड दो राउंड तीन आली तीन आली में जाके मिलो ना सब ये हो रहा है आपको सब लोग आपको एमपी बना चुका है वो लकाबाली से शुरू करके बारी रिजो मारो तक तबारी जो तक उसको आप मेरा ऊपर चोर दो ना चिंता मत करो ना उसमें क्या खर्चा जाएगा तुरा मुरा जाएगा होगा उसको अब आम देखेगा ना हल नो अबो बोजे नो हल कमिटमेंट मन बोगा नो हल मेल शिजा नो त्रिभी धोतल नो मांगते नो आप खुद तो या मांगते किरण को आप लोग शुरू में आप लोग का क्या पॉलिटिक्स होता होगा मालूम नहीं शुरू में आप लोग ये मांगते किरण का साथ में था फिर बीच में आप लोग मक्ते किरण को गुस्सा हो गया है मक्ते किरण को एकदम कुत्ता बंदर बोल के किरण रिजिजू साहब का बंगला में कृष्णा मेनन मार्ग बंगला नंबर नाइन में जाके गेट में बरापे को औरत लोग को जाके वह नंगा हो जाओ बोल के आप लोग की एडवाइज कर रहा था और उसमें ये हमारा तलु यामंग मैडम आप लोग का साथ में मीटिंग करके हमको नहीं बता के मेरा ही घर में दिल्ली में बैठ के लेकिन हमको नहीं बता के अब वो जन आपका द्वारका वाला घर में दिनार में आप बुला के बात करके क्या उसको ब्रेन वॉश किया होगा उसका बाद में दो औरत को जाने मत रुकाओ बोलाए फिर मोदो किपा चंपा बहन को बोलाए नहीं नहीं मेरा नारी लोग यहाँ में लेके आके आने लोग अरुणाचल का इनोसन आने लोग को यहाँ लेके आके उल्टा सीधा हरकत होने नहीं देगा इसे बोल के हम सही सलामत वापस ले जाओ ट्रेन से जैसे भी करके ले जाओ बोलाए ले जाने दिया है तो फिर यामंग भाई दो आप इटानगर में ईटानगर में पहुंचने का बाद भी चंपा चंपा मैडम को चंपा भाई दो को बुलाए बोलता है दोस्त आना जाना काट देगा आप लोग का टारगेट था किरण रिजिजू साहब को बेजती करने के लिए किरण रिजिजू साहब का घर में पेंटी पेंटिबरागने के लिए और आप उस दिन मीडिया निकाल के बोलता है जो अरुणाचल हाउस में पेंटी पेंतीबरा फेंका और तो शीतल खरीद के दिया है बोलता है ना यामंग दो ओलो तू मने तोरा सा भगवान से डर ईश्वर से जीसु से डर तुम लोग कब पेंटी नहीं तुम लोग को पेंटी नहीं तुम लोग है बोल के ही? तुम लोग को लो को हम घर में बुला के दिल्ली में हम गाली दिया था तब तुम हमको गुस्सा हुआ था रुआ था हम ये मैडम शीतल आपको यहाँ सपोर्ट करने मेरा आया वाला जो गलती हो गया आज का बात हम और आपको सपोर्ट नहीं करेगा तब भी हम तुमको

और उसका बाद में अरुणाचल को जलाएगा गवर्नमेंट का ऑफिस लोग को जलाएगा तुम लोग का ये हिडन एजेंडा था ना उसमें भी हम अपोज किए नारी शक्ति का नाम से बन कॉल नहीं होगा क्या टॉपिक को लेके बन कॉल करेगा पूछा है तो अबो अबोगोजन आप मेरा पास आया था नारी शक्ति का नाम से बन कॉल करने देगा अच्छी तरह को भी तोड़ा पान मांगो भाई जोराम को भी तोड़ा पान मांगो और कहीं से जगह होने से अरेंज करो बोले क्या टॉपिक में बन कॉल करेगा बोला तो पी का इशू में बन कॉल करेगा पेपर को में बन कॉल करेगा बोले तब हम बोला है पीएजेसी को खुद उसको करने दो लीड करने दो नारी शक्ति का बैनर में मत कर दो बाद में बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा तो औरत लोग पसेगा तो फिर कहाँ जाएगा औरत लोग को कौन लीड करेगा ना इसलिए हम पीएजेसी खुद अगर बन कॉल करता है तो पीएजेसी का उसमें पीएजेसी को खुद स्पेरहेद करने दो पीएजेसी का मेंबर लोग को अपना से इशू को टेकअप करने दो ये हम सजेशन दिया था हर कंडीशन में हर सिचुएशन में मेरा इस्टैन हमेशा क्लियर रहा है हम हमेशा क्लैरिटी का साथ इस्तेड किया है ए सी को लीड करते समय में कौन लोग बेचता होगा हमको ये स्पीच मारो बोल के व्हाट्सएप में दुनिया भर का वो लिख के ड्राफ्टिंग करके भेजता था लेकिन हम उसको कभी वो उसको हम खुल के भी नहीं देखा है हमको जो बोलना है जेन्यनली उसी को हम बोला है किसी को भी हम हमको चलाने का मौका नहीं दिया है जब हमको चलाने के लिए नहीं सकाए आप लोग का कंट्रोल में हम नहीं आ रहा था

शीतल को हराने के लिए तुम लोग कितना रुपया का कौन होता है हा? तुम्हारा तुकी को तुम्हारा तुकी कितना दिन से डिक्लर किया था वो एम पी उतरेगा बोल के जीरो आवर में डिक्लेर करके घूमने वाला हारने से क्रेडिट शीतल को जाएगा तुम शर्म नहीं है बात करने का तुम्हारा पास में कुछ बचता नहीं है तुम यहाँ शर्म धर्म दरमया में आके बात मत करो तो को शीतल पिछले एक साल पहले से अरुणाचल का पब्लिक को बताया है हम एमपी पी उतरा बोल के आप लोग के लिए स्टैंड कर रहा है बोल के नावम तुकी एक महीना पहले पंद्रह दिन पहले एमपी पी करने वाला को ओ हारने से तो को शीतल का क्रेडिट तो शीतल को, को जाएगा तुम इसे लिखने के लिए तुम्हारा उंगली भी मैंने डर नहीं लगता है श्रम नहीं लगता है हयंग मारी नो ना लग चंग हग हाँ माय हब लिखी दुबे ना ग्यो से यंग नो हयंग माय नू लेक और ना चलम बर्बाद मियाबू पारती है तुम लोग का ये दलाली गिरी पोलिटिक्स को तुम लोग हम लोग अभी भी कर रहे आगे भी करेगा मत सोचो परमेश्वर प्रभु जीशु से डरो कितना दिन तक तुम लोग दलाली गिरी करके अरुणाचल को कर कोई मोटा चीज है पंद्रह सोलह को कवर करने के लिए अरे हम एक साल से घूमने वाला भी हम अभी तक कितना गांव को हम टच नहीं कर पाया पहुंच नहीं पाया पंद्रह दिन में आदमी इलेक्शन डिक्लेयर करने वाला और एक साल पहले डिक्लेयर करने वाला को तुम बोलता है उल्टा तो की हारने से तुम क्रेडिट लेगा बोल के हम हार रहे ना आज हमको हार चुका है हम हम हार चुका है मान के चल रहा है चलो हार चुका है ना तो हमको कौन हराया है हमको किरण रिजिजू नहीं हराया है हमको तुकी साहब हराया है नो चिंका रे तुकी साहब का सिर्फ एक ही मकसद है हमको हराना है साथ में वो कुद भी हारना है और किरण साहब जीतना है ऐसे करके तुम लोग पॉलिटिक्स खेला है चलो खेर वो अपना अपना है किसको कितना पैसा मिला होगा कहाँ से क्या किया होगा वो तो हम नहीं जानते हम यहाँ पॉलिटिक्स को बात करने नहीं आया है हम सीधा सीधी जो लोग हमसे पर्सनल प्रॉब्लम है पर्सनल वाला को हम ओपन इनविटेशन दे रहे हैं वो भी रिजल्ट से पहले जून दो तारीख से पहले है जितना कौन सा डेट में कौन सा तारीख में आप लोग आएगा बता के आइए आप लोग जो हमको इलेक्शन एक्टू ये इलेक्शन एक्ट स्टैंड क्या किया पर्सनल लेवल में ले जाके पर्सनल प्रॉब्लम है पर्सनल प्रॉब्लम है बोल के ये ज्यादा पर्सनल प्रोपोगंदा करने वाला लोग ना लोपसंग भाई तोरा आम लाइव वीडियो में है वो तो ले तो ततम का बेटी है और मेरा माँ का नाम तसरिया नम है पिताजी तो बाबा तो जिंदा नहीं है बहुत साल पहले 1987 में वो कांग्रेस पार्टी को अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है लेकिन मेरा माँ जिंदा है लेबर क्लास आदमी है और हम तीन बच्चा का माँ है लिका सूरज लिखा रश्मि नाबम तयुंग तीन बच्चा का माँ है तो काल को जो भी पर, पर्सनल प्रॉब्लम है मेरा साथ में क्लियर नहीं करके अभी हम जिंदा है तो मेरा साथ क्लियर नहीं करके बाद में मेरा बच्चा लोग का पास में तुम लोग बोलने नहीं जाना है इसलिए जो हमसे पर्सनल प्रॉब्लम है प्लीज़ मोस्ट वेलकम आइए हम तुम लोग को पेश नहीं करके बात नहीं करके भागने से तब बोलिए गुम तारियम जैसा हम बदलता नहीं है ये सक्रो क्या बोला है तुम एट पार्स आई रिस्पेक्ट टेड यू तो तुम्हारा रिस्पेक्ट को गिराने के लिए हमने ऐसा कौन सा काम किया है तुम रेस्पेक्ट करने लायक नहीं होने के लिए हमने ऐसा कौन सा तको तो शीतल ने ऐसा कौन सा काम किया है तको तो शीतल हमेशा सच को बोलता है चाहे वो करवा हो या मीता हो मलाई मार के हम बात नहीं करता है हमको मलाई मार के बात करने का जरूरत नहीं है सच बात को जेन्यून बात को हमेशा रखने वाला वो ही फाइनल राउंड में जाके वही इंसान टिकता है मीता मीता बात करके ये करने वाला लोग समय में आपको मिता मिता बात करेगा अच्छा अच्छा एक्टिंग दिखाएगा नाटक शो तो ऑफ करेगा उसका बाद में मरने और मारने का सिचुएशन जब पहुंच जाता है ना तब धोखा दे के चला जाएगा लेकिन मेरा जैसा क्लियर बात करने वाला इंसान जो कभी किसी को धोखा नहीं देता है सिचुएशन चाहे जैसा भी हो हम हर सिचुएशन में जब तक मेरा आखिरी सांस तक मेरा मेरा शरीर में दम होगा तो सिचुएशन को हम फेस करता है कभी हम सरेंडर नहीं करता है आज भी हम सरेंडर नहीं किया है मेरा पास पैसा नहीं था हाँ मेरा पास पैसा नहीं था कुछ भी नहीं था फिर भी हम इलेक्शन को स्टैंड करेगा बोले हम स्टैंड किया है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है जो लोग भी एकदम दे आर रियली दे आर रियली 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 डिटरमाइंड फॉर ए चेंज चेंज चाहता है वो लोग भी वो लोग भी थक चुका है थक चुका है ये करप्टेड वाला सिस्टम से अभी ये डिफेंड करता है कि मेजोरिटी क्या चाहता है मेजोरिटी चेंज चाहता है ना मेजोरिटी करप्शन को कंटिन्यू रखना चाहता है यही डिटरमाइन करता है रिजल्ट भी उसी बेसिस में होगा ले, लेनिन स्टालिंग चेलो लालुंग नौटंकी नौटंकी बोल के तुम लोग बहुत लिख लिया नौटंकी क्या चीज का नौटंकी आदमी यहां में तुम लोग को इसलिए तो हम बोल रहे हैं क्या क्या में तुमको प्रॉब्लम है हम वेलकम कर रहे तो कोई भी आदमी तुम लोग को ऐसा आके लाइव में आके वेलकम करने वाला नहीं मिलेगा सब लोग समय में ऐसे है वो तो उस समय का ऐसे बात था ऐसे था चोर दो चोर दो बोल के बात को दबाने कोशिश करेगा हम यहाँ बात को दबाने कोशिश नहीं कर रहे तुम को हमसे जिस जिसको हमसे पर्सनल प्रॉब्लम है मोस्ट वेलकम हम यहाँ में आप लोग को जवाब देने के लिए हम बेता हुआ है बाग के कहीं नहीं जा रहा ये मेरा अने ना चले भले मेरा खुद का घर अभी तक हम घर नहीं है रेंटेड में बेहतरा होगा तो ये मेरा अने ना चले हम अरुणाचल का बेती है हम जिएगा तो भी अरुणाचल का धरती में जिएगा और मरेगा तो भी अरुणाचल का माती में हमको गारेगा इसलिए मर जाने का बाद में वन साइड हो जाएगा ना बात जो नहीं मरने से पहले जिंदा समय में बात को क्लियर करना है जो भी कुछ प्रॉब्लम है चलो क्लियर करेगा आ जाओ यहाँ लाइव में लिखते मत रहो कमेंट्स मत करो आ रहा है तो कितना बजे आ रहा है कौन सा डेट को आ रहा है वो बताओ क्या प्रॉब्लम है उसको चलो बात करेगा हमारियम हम कि गए दी वो मांगो वो किगे गए सुरम और जितना एलिगेशन लगाया है ना तुम लोग हमको ये ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम में ये एक तो हम लोग का गालो आवाज में एक लेडीज का वॉइस घूम रहा है किरण रिजिजू किरण रिजिजू बोल के मुरको लारो को लाका को क्या क्या बोल के आप घूम रहे है प्लीज आप आइए किरण साहब हम दोनों का लेन देन किया वाला वीडियो को लेके आइए किरण साहब अपना हाथ से हमको कितना रुपया दिया है या उसका किसी वर्कर का हाथ से हमको भेजा है ना हम खुद रिसीव करने गया था ना मेरा कोई वर्कर रिसीव करने गया था अबो किन्तो ओरी का नाम भी आप लिया है उस ऑडियो में ना अबो किन्तो और हिंदू को बोला है ना तो मेरा अबो का नाम को आप ले रहा है मेरा अबो को अबो अगर किरण साहब और हम दोनों का पैसा लेन देन किया लग, मेरा अबो मालूम है तो अबो चुप तो नहीं बैठेगा ना बाय दो मैडम आप गालो भाषा में गालो व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप में उतरो तारीख का रात को पागल जैसा पूरा हर ग्रुप में आप शेयरिंग किया हर बस्ती में जाके बोला है ना प्लीज कम विद द प्रूफ मैं बिल्कुल दरवाजा खुला दिल खुला वेट कर रही हूं ना तो आइए प्लीज बात करेगा थैंक यू लालो मुचारो गॉड ब्लेस यू बेटा बेटी और मम्मी को मेरा तरफ से नमस्कार थैंक यू सो मच मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे जेन्यन लोग हैं जिन्होंने मुझे दिल से मुझे पसंद किया प्यार किया और मेरे लिए वॉल्टियरली कैंपेन भी किया और अपना घर से अपना चावल खर्चा करके अपना चीनी खर्चा करके अपना पैसा खर्चा करके लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन किया मुझे मालूम है एंड उसके लिए उन सब के लिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रे करती हूँ कि आप लोगों का घर में ब्लेसिंग दे और आप लोगों को एक सुंदर लाइफ दे अच्छा जीवन दे और होली स्प्रित हमेशा आप लोगों को प्रोटेक्शन गाइडेंस दे क्योंकि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के आँखों के नज़रों के सामने हमेशा सा वो अच्छा प्यारा ही होता है परमेश्वर जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ परमेश्वर हमेशा अच्छा करता है जो गलत होते हैं उसको शायद परमेश्वर भी इग्नोर करते होंगे चलो अपना बच्चा है सुधरने का मौका देगा सुधरने का मौका देगा ऐसा सोचता होगा लेकिन बाद में ज्यादा हो जाने से उसका भी किएगा पनिशमेंट परमेश्वर देता है इसलिए तो परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है आसमान खुला है आसमान का नीचे में जितना बड़ा बड़ा पांच ताला दस ताला पंद्रह ताला बिल्डिंग बना के बड़ा बड़ा दीवार से आठ फुट आठ फुट गटनी मार के चार इंची का दलाई मार के बिल्डिंग बना के बैठने से भी परमेश्वर आसमान खुला है वहां से पूरा देख रहा है रूम को पूरा लॉक करके बंद करके बैठ के कोई हमको ये नहीं कर रहा होगा नहीं देख रहा होगा नहीं सुन रहा होगा मेरा बदमाशी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होगा सोचने से भी फायदा नहीं है सब कुछ को वहां से ऊपर से परमेश्वर जो भी ज, आ, भगवान जिस नाम से भी आप पुकारते होंगे दोनी नाम से पोलो नाम से पुकारते होंगे आने दो आ पोलो का हम तो लोग दिखाई दे रहा है और एडवोकेट तान दादा खेल खत्म हो गया इसलिए अभी सीरियस में आ गया है और इलेक्शन तो केल तो खत्म हो गया लेकिन सीरियसनेस में अभी उस केल का दौरान में खेल को केल हिसाब से नहीं खेल के हमको पर्सनल अटैक करने वाला लोग को मेरा नाम को पर्सनल तोको शीतल तो शीतल तो लेके हाँ मेरा विजन में कुछ खराब था मेरा मैनिफेस्टो में कुछ खराब था तो वो बोल सकता था मेरा जो भी कुछ मेरा पॉलिसी में मेरा प्रोग्रामिंग में खराब था उसको बोल सकता था उसको नहीं बोल के हमको तो शीतल तो शीतल बोल के मेरा नाम को लेके पर्सनली लेके जो लोग हमको बात किया है ना वो लोग को आज हम ओपन पूछ रहे हैं ओपन इनवाइट कर रहे हैं चलिए आइए बात करते हैं ना बात करते हैं क्लियर करते हैं वो उपिंग सुझे कम ना ये वो अंगमी सुझे कम वो कि गी बुमा हम जरूरी समय में दार मंगा वाला भी होता है हम इंसान है इंसान का लाइफ में ट्रांजैक्शन लेन देन तो चलता है मेरा भी दार है लेकिन जिसका साथ मेरा दार है वो दार वाला लोग तो आज तक बिचारा लोग हमको बिचारा वो लोग भी समझता है हमको शीतल हांग अले पेश पा तो कान जिनंग सुपा दी जिसे दो मारीज पा दी मंगलाए बोल भूझी दो बुलगा मुगू ग्योजमा nul ngam dar depek pe ja panam eng damkap jingjing dambu parti si ia ke atu ane ja atu geu kaming slak jo dui moina go nulam go ma ko kai achi bi ngoh hugu gali jima laka geu der ming slajo ala laka ha

Akan k энергianani saya terminarialah daripada 60% 40% beguni dioni 40% sekarang di gehört 40% sekarang wahkan anda lebih baik little penguatkan ingin menjadi мо vai berte institut keurningan dan kefše dan dua第三 yang ingin menjadi Así, Peson셔서 mengitetこれは bukanlah ke excelenerga Anda melihat orang yang tak tahu pengetahuan apa yang ada dalam kalau pelanggangan Pesos다면� v.. V.. Jan, J gruesanpower dia pun menunggu�� prosecutor itu pun menurut saya bahawa bebewear running at the needle ve MCU no, terlepas, jadi pelakang golcoll akhirnya ia akan disuruh menipu vivir secara corpes itu punya hidupga pegawai my mind children pakeedSm streaming entahkan Bogakan saya memperkenalkan menller bravo dengan拍 bank j हम तेदर मिंग्स मीन्स डो वेलकम मदो इनवाइट मदो हम इनवाइट कर रहा है जो भी आदमी हमको पर्सनल प्रॉब्लम है प्लीज आइए और पर्सनल में जो बात करना है ऑफिशियली बैठ के ना चेहरा से चेहरा मिला के आंख से आंख मिला के बात करेगा और कुछ अगर हमसे गलती हुआ है तो जरूर आपका हम आपको माफ़ी मांगेगा हाथ पाओ हाथ पाओ भी पकड़ेगा पाओ भी धुलाएगा और अगर हमसे गलती नहीं हुआ है तो तुम हमको बिना वजह हमको अगर घसीट रे गाली दे रहा है तो तुमको हमसे माफी मांगना पड़ेगा तुमको मेरा पाओ पकड़ना पड़ेगा या तो हम तेरा पाव पकड़ेगा या तो तुम मेरा पाव पकड़ेगा बिना गलती में अगर हमको तुम लोग इतना तक मैने रेलिंग कर रहा है तो ड्रिलिंग कर रहा है तो एक कैंडिडेट क्या उतार बहुत बड़ा पाप काम कर दिया जैसे तुम लोग का नजरों में क्या गरीब आदमी कैंडिडेट नहीं उठ सकता है क्या गरीब आदमी सच बात को नहीं बोल सकता है तुम लोग को जो बंदल बंदल पैसा सुद के बढ़ती बढ़ती देने वाला लीडर ही हमेशा तुम लोग को चाहिए ना तुम लोग को ये कौन है iko ne mo gari pa mo tukado ma ngo nga gerjari nama ngo mane atu mangjang go beritak su dun e nga gerjari nama nga atma nga ngo basai dobel ngo disiplin life pam sam du bengo alok ke gerjari tak su dun e a ang tare si jam tare chart time ni hoya charge time mo ne dekhi ham jaega nga gerjari nama ngo

जीजस क्राइस्ट को भी अंदर करके करके चाबो हम है बोल के गरजा को भी मिस यूज करने के लिए आदमी लोग कोशिश मत कीजिए प्रेज करने जाता, है। को करने जाता है गर्जा में किसी लीडर को प्रेज करने हम लोग नहीं जाता है यहाँ में क्रिस्तन लीडर क्या लीदर लीडर बन के दुनिया भर का स्टेट को मने अलह नुल को तुंग इसोरे जीसु कम का दुंग सुदो चो ते दुंग सुदो चो हो गो बे अले पला का नुलम इसोरे जीसु कम उगला भी सुरी चो ब्लेसिंग ए बर बर के देगा होगा आप लोग को ब्लेसिंग ए बर बर के देगा होगा इसोरे हाँ। बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना था चर्च जाने का भी टाइम आ रहा है रेडी भी करना है जो हमको पर्सनल प्रॉब्लम है प्लीज हमारा तक पहुंची है नहीं तो क्या आप लोग मेल ऑर्डर निकाल, निकालेगा क्या मेल ऑर्डर निकाल के हमको लेटर भेजिए हम आपका लेटर मिलने से हम रेडी है आके जहां में भी बुलाएगा आके बात करेगा चलो ये ही बोलना था और दूसरा मेरा जितना हार्डकोर सपोर्टर और मेरा वेल विशर है आप सबको मैं कभी भी जिंदगी में मैं चाहे एम पी नहीं बनू आप लोग हमेशा मेरा दिल में मेरा आत्मा में आप लोग रहता है और आप लोग के लिए तो हमेशा है किसी भी सिचुएशन में इलेक्टेड लीडर नहीं होने से भी मैंने पहले भी बोला था से भी बोला था जब मैंने खुद को इस स्टेट का एक लीडर के रूप में मैंने अपना आपको जब प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट कर दिया एज ए लीडर मैं हमेशा एक लीडर के रूप में आप लोगों के लिए खड़ा हूँ एज ए लीडर बन के मैं किसी भी सिचुएशन में आपको लीड करने के लिए मैं तैयार हूँ कोई भी सिचुएशन हो एनी टाइम भले मेरा पास पैसा नहीं है कुछ नहीं है पैदल चल के होने से भी आपका इशू को बात करने के लिए मैं तैयार हूँ आपका हक का लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ तो एज ए लीडर मुझे जो करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ और आपका लीडर हमेशा रहूंगी इलेक्शन में हार जाना मेनिपुलेशन करके लोग मुझे वोट नहीं डाल के हारना वो बात अलग है लेकिन आपके दिल से आपने मुझे लीडर माना है तो मैं आपका लीडर का रूप में हमेशा तैयार हूँ और बींग होने के नाते हमेशा मैंने सच को बोला है और अपना इमोशन को कभी किसी से नहीं छुपाया है इमोशन को भी कभी किसी को नहीं छुपाया है तो दूसरा का बोला वाला को ऐसा रिएक्ट करते रहने से नहीं जो जो पर्सनल में मुझे बोल रहा था ज्यादा पर्सनल ले रहा था मैं उसको इनवाइट कर रही हूं आप क्या को हमको यहाँ में टीचर बन के सिखा रहा है हम किसी गलत ये को गलत को हम ये आ, क्या बोलता है अग्राम बगराम वो चौथा मोता को हम नहीं बोल रहे ना जो हमको पर्सनल लेके बात कर रहे ना उसको हम बोल रहे जिस लेवल तक बात करने के लिए तैयार है हम भी तैयार है चलो किस लेवल तक जाना है हैव टॉक एंड क्लियर करते हैं क्या चीज के लिए इतना हमको पर्सनल ले रहा था चलो बात करेगा क्योंकि पूरा साल भर हम सुन सुन के बर्दाश्त करके रखा था सिर्फ वोटिंग को जा लेने दीजिए आप लोग को भी शांति से जितना हमको मेरा अगेंस्ट में बोलना है बोल लेने दो सतीश भाई से बोल लेने दो उसका बाद हम नहीं मरने से तो हम वोटिंग खत्म होने तक तो तो शीतल जिंदा रहना चाहिए बोल के ये विश्वास था तो आज जिंदा है इसलिए आज पूछ रहे हैं जो सुला जो है तो ये वीडियो आने का मीनिंग जो वही सिर्फ था जिसको हमसे पर्सनल प्रॉब्लम है चलो बात करेगा बोल के हम ओपन इन्वाइट कर रहे थे बाद में नहीं बोलना है बोल रहे तोबेट करने के लिए इन्वाइट नहीं किया है बोल के लेकिन यह मोबाइल डिबेट नहीं चलेगा टू पेस्ट बात करना है कर है सबको हैप्पी संडे जय हिंद